हेलो एंड नमस्ते टू ऑल माय डियर फूडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, सुपर इजी और सुपर सॉफ्ट दही बड़े या दही भल्ले। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप उड़द दाल। आप साबुत या स्प्लिट दोनों में से कोई भी उड़द दाल का यूज कर सकते हैं। इसे मार्केट जैसा बनाने के लिए इसके साथ लेंगे 1/2 कप मूंग की दाल। इससे बड़े काफी सॉफ्ट और क्रिस्पी भी बनते हैं। इन्हें हम अब अच्छे से वॉश करेंगे और 5 घंटे या रात भर भिगो कर रख देंगे। मैंने इसे 5 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सोख हो चुके हैं। तो अब हम इन दोनों दालों का बिल्कुल फाइन पेस्ट एक ग्राइंडर की हेल्प से बनाकर रेडी कर लेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल फाइन होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। 2 हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, आप चाहें तो इसे ग्राइंड करते टाइम भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट काली मिर्च का पाउडर। इससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा ये बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही हम इसे रखेंगे ताकि जब इसे हम फ्राई करें तो आसानी से ये फ्राई हो जाए। इससे बड़े काफी सॉफ्ट और क्रिस्पी भी बनते हैं। देखिए कुछ इस तरह से बैटर हमारा रेडी होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पतला नहीं है। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। मीडियम हीट पे हम तेल को गर्म करेंगे। ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़े स्टिफ बन सकते हैं। अब फ्राई करने से पहले हाथों को इस तरह से पानी या तेल से थोड़ा सा गीला कर लेंगे। अब धीरे से बैटर को इसमें ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा बैटर लेकर इस तरह से ऑयल में इसे हम ऐड करेंगे। आपकी कढ़ाई की जितनी क्वांटिटी है उससे थोड़े कम बड़े ही आप फ्राई करें, जिससे कढ़ाई में एयर फ्लो अच्छे से रह सके। इससे ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हैं सारे बड़े आसानी से ऊपर आने लग गए हैं। इसमें हमने कोई भी बेकिंग सोडा या पाउडर ऐड नहीं किया है। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। थोड़ा इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि खाने में ये सॉफ्ट के साथ साथ क्रिस्पी भी लगे। देखिए अभी अच्छे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे वड़े हम फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम इन वड़ों को 5 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो कर रखेंगे। ये हल्का गुनगुना पानी मैंने लिया है। इसमें आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब वड़ों को 5 मिनट के लिए मैं इसमें भिगो कर रख रही हूँ। इससे ज्यादा हम पानी में इसे नहीं रखेंगे, नहीं तो वड़े टूटने लग जाएंगे और काफी सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक वड़े सोख हो रहे हैं हम जल्दी से दही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप फ्रेश दही। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। आप चाहें तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी और 1/2 टेबलस्पून नमक। इससे दही का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दही भी आपकी लगभग 1 वीक तक खराब नहीं होगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दही वड़े के लिए दही तो अब रेडी है। अब जल्दी से वड़ों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से सोख हो चुके हैं, इनका साइज भी इंक्रीज हो चुका है। अब हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए और इसे एक सर्विंग प्लेट पे रख लेते हैं। इसी तरह से सारे वड़ों को हम रेडी करेंगे और प्लेट में रख लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 से 4 टेबलस्पून दही ताकि सारे दही वड़े अच्छे से कवर हो जाएं। इस तरीके से देखिए। अब टेस्ट के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक। आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। चलिए इसे मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये दही भल्ले। आप इसे जरूर बनाइए, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। हमें कमेंट करके जरूर बताइए ये आपको कैसा लगा। ऐसे ही इजी होम स्टाइल, ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल कुकिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी कुकिंग, बाय एंड टेक केयर।